so heartless and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep and I can't. So what's up everyone and welcome back again. तो बैठ बैठ के हो चुके हैं बोर, तो बानू जी को ऊपर बैग के पास बिठवा के हैं, तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे चक्कर वक्कर लगा रहे हैं थोड़ा। तो क्या चल रहा है अभी? एयरपोर्ट देख रहे हैं थोड़ा, वो ऊपर नीचे फिर रहे हैं, लास्ट का एक घंटा थोड़ा निकाल रहे हैं। तो बाकी दिवांशु भाई आप बताइए, समय कैसा निकल रहा है आपका? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बाहर टेम्परेचर बहुत कम है पर अंदर गर्मी है, फिर भी अंदर बहुत गर्मी, अंदर हीटर चल रहे हैं, बाहर तो 5 डिग्री है, 4 डिग्री। तो बानू जी को ऊपर बिठवाया है, वो पता नहीं भाई कौन से एनिमे देख रहे जा रहे हैं। शिनिगामी देख रहा है, शिनिगामी देख रहा है। मुझे तो नाम भी नहीं पता है पता नहीं कौन सा देख रहा है। तो यहाँ पे बस अभी एक घंटा बचा, इसके बाद निकलेंगे यहाँ से। बोर्डिंग टाइम वैसे ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला विद इन 15 मिनट्स, तो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ आवर जर्नी। तो चलिए, और ये भी ड्यूटी फ्री भाई, सिर्फ दारू ड्यूटी फ्री क्यों है? दीपांशु भाई को चाहिए अभी कॉफ़ी, थैंक यू। तो भाई USD दे के ये पोलैंड करेंसी मिली अभी वापस, 50 पोलिश। ये करेंसी रख लो अलग अलग देशों की, लो इकट्ठा करो इसे भी, एक सिक्का भी। हर कंट्री में ऐसी घूमनी है और क्या, एक नई शुरुआत कर दी आपने। तो अभी भाई ऐड करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी ब्राउन शुगर भी। आपने क्या वाइट ले ली है? हम थोड़ी फिटनेस फ्रीक। खोलो भाई से। तो कॉफ़ी पी रहे हैं अभी, कॉफ़ी में टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और अगर इंडियंस की बात करें तो भाई मीठा तो उनको बहुत ज़्यादा चाहिए। मैंने अभी 2 सैशे ब्राउन शुगर के डाले हैं और एक स्वीटनर का, तो भी कम है। और इस बंदे ने कितने भैया, आपने कितने डाले हैं? 4 पैकेट। अभी भी कम पड़ रहा कि नहीं? पता नहीं लग रहा कि है अभी कि नहीं। 4 पैकेट डालने के बाद बंदे को लग रहा है कि मीठा नहीं है, अभी कम है। तो हालत देख सकते हैं आपकी, बिल्कुल प्योर है। प्योर और रेगुलर बेसिस पे एक इंडियन कितनी शुगर कंज्यूम करते हैं सिर्फ चाय और कॉफ़ी में, तो ये चीज़ है। पर हाँ, कम डाल के भी थोड़ा बहुत जो टेस्ट आ रहा है वो ज़्यादा बेटर आ रहा है कम शुगर में। और बाकी स्लाइट डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अपनी कौन सी है इसमें, तो वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो छोड़िए, एक घंटे की बात है। एक घंटे में मिलता है, बताएंगे अभी आपको किस में जाएंगे। नहीं नहीं, हमने अभी डिस्क्लोज नहीं किया ना, जा कहाँ रहे अच्छा। तो वो बाकी की बात है। तो बाकी बाहर का आप देख सकते हैं, इस टाइम अंधेरा हो चुका है। तो अभी करंट टाइमिंग यहाँ की कितना टाइम हो रहा है? 4:15 4 बज रहे हैं और इंडिया के साथ कितने, 8:30। हाँ, इंडिया के 8:30 4 बजे रात होगी भाई, पूरा अंधेरा। तो चलिए बानू जी के पास चलते हैं, देखते हैं उनके साथ गप वप लगाते हैं एक घंटे में क्या करते हैं। रखो भाई रखो, जिसे जहाँ बैठना बैठो, तीनों सीटें अपनी हैं। तो बानू जी कुछ दो शब्द बोलना चाहें आप, कैसा लग रहा है? पता नहीं लग रहा कि जिंदा है कि कहाँ है। क्या है, सुबह है, रात है, शाम है, जागे हैं या सोए हैं? 24 घंटे से जागे हैं अभी। 24 नहीं भाई, अब तो 48 होने वाले हैं, 48 घंटे होने वाले हैं जागे हुए। पता नहीं इसी बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, क्या कर रहे हो आप? थोड़ा बहुत लग रहा है क्या बात है, फोकस हमारा हिल चुका है तो इसलिए फोन का फोकस भी नहीं चल रहा है। ठीक तो चलिए होगा ही, विश्वास बना रहना चाहिए, उम्मीद हो या ना हो पर विश्वास बना रहना चाहिए। तो खाना आ गया।
ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, क्या है कुछ पता नहीं, बस खाना है, हालत खाना है, हालत क्या है? और हालत इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कुछ समझ नहीं आ रहा है और चल रहा क्या है। पर खैर चलो क्या ही कर सकते हैं, सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीमार वगैरह ना हो इसलिए खाना ज़रूरी है, खाते हैं। ये भैया ब्रोकली है और वो डम्पलिन है और वो राइस है, जूस में ले लिए ऑरेंज और ब्लैक करंट। पर इस समय शॉक वाली शॉकिंग बात ये है, सब पे ग्रीन स्लिप्स लग रखी हैं और अपने हिसाब से इसका मीन है कि ये वेजिटेरियन है, बट अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इसे उठा के फेंकूंगा। इन दोनों का खोला मुझे लग रहा था ये डम्पलिन है, पर क्या तो डम्पलिन है, डम्पलिन लग रहा था पर इस बंदे ने खोला इसको, मैंने तो अपना खोला ही नहीं, तो इसने खा के बताया कि ये नॉन वेजिटेरियन लग रहा है, तो मैंने पीछे मैम से पूछा ये क्या है, पहले तो मना कर रही है, बता नहीं रही कि ये क्या है, बोरी हमें अलाउड नहीं है बताना, मैंने कहा इंग्रेडिएंट क्या है फिर भी मना कर रही है, नहीं हम नहीं बता सकते हमें अलाउड नहीं है। फिर मैंने पूछा भाई इतना बता दो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, तो उसके बाद बता रही कि ये चिकन है, तो मेरा तो अभी बिल्कुल मन हट से चुका है, मैंने तो अभी तक ये सिर्फ एक दही के साथ कुछ वो था वेजिस थी, वो वेज था कि ये नॉन वेज था, नहीं वो वेजिटेरियन था, नहीं आप मेरा वो मत कीजिए, अब केक भी मैं नहीं खा रहा क्योंकि ये एग वाला हो सकता है और ये तो मैंने छोड़ ही दिया, और ये खाया बस ये दही था कुछ, जूस से काम चलाएंगे भाई। चिकन नहीं है, चिकन नहीं है, सी फूड है ये 100%। आपको क्या लग रहा है क्या है, मालिक जानते हैं नहीं चिकन है कि नहीं वो बताइए, नहीं चिकन है कि नहीं ये बताइए आप, नॉन वेज तो है। चलो भाई जूस से काम चलाते हैं, इसके बाद सोना तय है। क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिच लग रहा है मेरे को, तो बहुत भारी कटा है अभी, बहुत भारी, मेरा तो बैठने का मन नहीं कर रहा, इसे उठाओ यार प्लेट को उठाओ पहले भाई, ठंड बहुत लग रही है, पैक हो चुके हैं अरे यार लगाइए बस हटा ले इसे यार। चलो भैया जल्दी चलो, थोड़ा फ्लाइट से बाहर निकलते ही ठंड का झोंका जो आया है, कुछ समय नहीं आ रहा, रात है दिन है क्या हो रहा है, दो दिन तो गायब है, दो दिन तो गायब है, और दीपांशु कहाँ है अभी, तो फाइनली इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद भाई लोग रेडी हैं लगेज लेने को, तो और तो कुछ पता नहीं, थकान तो भाई बहुत हो गई है, अब बैग ढूंढना है वो एक अलग टास्क है, बैग ढूंढना भी 11 नंबर। तो लगेज के लिए जितो जाए चल रही है, भैया ने चॉकलेट निकाल लिया बैग से, नहीं मेरा लगेज आ गया, कहाँ आ गया, एक है ना कि दूसरा का, वो दूसरा वो नहीं चाहिए, दूसरा का दूसरा डाल लेना, ये वीडियो बन रही है इसके चक्कर में आप डाल दे रहे हो, मतलब कि अगर आपका दूसरा बैग नहीं आएगा और इनकेस हमारा आ जाता तो हम चल पड़ेंगे, बड़े लोग हो तो भाई साहब पूरे 6 घंटे वेट किया है, अभी तक बेल्ट नहीं जली थी, बैग का वेट कर रहे हैं, मेरा एक बैग आ गया, बानू जी के दोनों आ गए हैं, दीपांशु का एक आ गया, तो हालत खस्ता, चला भाई फिर से कार्यक्रम, वे कितनी देर वेट कर रहे हो अब, बहुत घंटे हो गए, घंटे भी याद नहीं हो, तो फाइनली
और क्या भैया बैग आ गया आपका, निकालो भाई कैप ऐप निकालो, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है। ले टोपी कहाँ आपकी, निकालो बाहर टोपी। नहीं नहीं आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपको ठंड से, तूफान चल रहा है कुछ चल रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो मास्क डालिए ठंडी हवा से बचने के लिए और टोपी निकालिए भाई, टोपी डाल लें। तो दीपांशु भाई निकलते हुए भैया आप ठंडा है पर बाहर देखिए टेम्परेचर क्या लिखा है -14। कोई बात नहीं ज़्यादा नहीं है, बंदे तो भाई टी शर्ट में भी निकल रहे हैं बाहर, पता नहीं इतना जिगरा कहाँ से आ रहा है। सच्ची में बर्थडे कर दिया अच्छा ये आई चम्मच वाली हैप्पी बर्थडे ये।